अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ योर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सब्सक्राइब योर चैनल। इस चैनल में हम मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे इसमें हम ऑटोकैड 2D एंड 3D, सेकेंड नंबर पर है 3D स्टूडियो मैक्स, नेक्स्ट है क्वान्टिटी सर्वे, नेक्स्ट प्राइमावेरा P6, नेक्स्ट MS Project, नेक्स्ट MS Word, MS Excel, PowerPoint एंड Corel Draw। आज हम बात करेंगे AutoCAD के ऊपर। AutoCAD का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम AutoCAD के बारे में डिस्कस करेंगे। AutoCAD हमारे पास किस लिए यूज होता है, उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप यूनिट सेटिंग, नेक्स्ट लाइन कमांड एंड एरेज कमांड। बेसिकली AutoCAD हम 2D और 3D डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग बना सकते हैं। AutoCAD में सबमिशन ड्राइंग कुछ इस तरह की बनती है। ये हमारे पास एक बनी हुई ड्राइंग है, ये सबमिशन ड्राइंग है जिसमें ये वॉल क्रॉस सेक्शंस हैं, स्टेयर्स प्लान है, फ्रंट एलिवेशन है, ये हमारे पास डिटेल प्लान है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शंस है, ठीक है। ये सारी ड्राइंग इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये ड्राइंग हमारे पास AutoCAD में किस तरह ये पूरी कंप्लीट ड्राइंग बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं AutoCAD को। स्टार्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल AutoCAD आइकन को AutoCAD को हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास AutoCAD 2007 है। AutoCAD ओपन करने के बाद AutoCAD की विंडो कुछ हमारे पास इस तरह की शो होती है। फर्स्ट इसमें ये टाइटल बार है, नेक्स्ट ये मेन्यू बार है, ये ड्रॉ बॉक्स है, टूल बॉक्स, लाइन कमांड, डायमेंशंस कमांड, ये फाइल है। फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू फाइल है। अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो, शॉर्टकट्स ओपन, सेव, सेव एज, ठीक, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन इस तरह व्यू में, इंसर्ट में, फॉर्मेट, टूल बार, डायमेंशन, मॉडिफाई, एक्सप्रेस विंडोज। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इन कमांड्स के बारे में एक एक कमांड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। जब AutoCAD हम ओपन करते हैं तो इस तरह की एक ब्लैक विंडो हमारे पास सामने आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट सेटिंग करते हैं। AutoCAD को स्टार्ट करने से पहले इसमें यूनिट सेटिंग करनी लाजमी। यून एन इंटर फर्स्ट डेसिमल है, यहाँ पर हम इसको आर्किटेक्चर कर लेंगे, ये नीचे हमारे पास 1/8 कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेंगे इंचेस, और नेक्स्ट यहाँ से हम कर लेंगे ओके, ठीक। तो ये हमारे पास अब यूनिट सेटिंग हो गई जिसके मुताबिक हम मुख्तलिफ किस्म की लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लाइन कमांड अप्लाई करते हैं। लाइन कमांड के लिए कमांड क्या है, L एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट आपने जितनी लाइन ड्रा करना है तो उसके मुताबिक आप लाइन ड्रा, फॉर एग्जांपल मैं लाइन ड्रा करता हूँ 10 फिट, तो 10 फिट मैंने दे दिया, अब प्रेस एंटर। अब ये लाइन यहाँ पर कंटिन्यू अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कंटिन्यू ड्रा कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो एस्केप का बटन प्रेस करके लाइन को ख़त्म कर लें, तो यहाँ से आपके पास लाइन ख़त्म। जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, अगर आप इसको अब दोबारा मिटाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप ई एंटर एरेज कमांड, इसकी मदद से आपका लाइन दोबारा से रिमूव हो गया है। लाइन की मदद से आप मुख्तलिफ शेप ड्रॉ करते हैं। दोबारा मैं लाइन कमांड अप्लाई करता हूँ, एल एंटर, एल एंटर, फॉर एग्जाम्पल 11 फिट, नेक्स्ट लाइन में ड्रा करता हूँ 5 फिट, नेक्स्ट में ड्रा करता हूँ 11 फिट, नेक्स्ट क्लोज, ओके। दोबारा अब ये लाइन मेरे पास कंटिन्यू है तो मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो मैं एस्केप का बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक।
ठीक है। अब इसके रेक्टेंगल के साथ आप लाइन कमांड के साथ सर्कल एवरीथिंग आप मुख्तलिफ किस्म की शेप ड्रा कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्लॉट ड्रा करना चाहते हो, एल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 25 फिट, नेक्स्ट 50 फिट, नेक्स्ट 25 फिट, नेक्स्ट स्केप, तो ये हमारे पास एक पांच मरले का एक प्लॉट ड्रा हो। ठीक है, अगर आप इसको अब रिमूव करना चाहते हो तो इसको कंप्लीट को सेलेक्ट कर लो और प्रेस ई इंटर, तो ये आपके पास रिमूव हो। हमारा आज का लेक्चर यही तक था, इंशाल्लाह अगला मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।